नामांकन से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की जनता से अनेकों नए वायदे किए हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी पर भी बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि इसके अलावा आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह ने भी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि 2 मई को आम आदमी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस अवसर पर उनके साथ कई बड़े आम आदमी पार्टी के नेता व कांग्रेस के नेता मौजूद रहेंगे। देखिए दोनों नेताओं ने डॉक्टर सुशील गुप्ता के नामांकन से एक दिन पहले क्या कहा। 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आने जा रही हैं और 4 हमारे प्रमुख वादे हैं जो हरियाणा के लोगों से कुरुक्षेत्र के लोगों से करने के लिए आया हूँ और ये मैं अरविंद केजरीवाल के भरोसे करने आया हूँ। और आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल ने जो कह दिया उसको करके दिखाते हैं। वादे से ज्यादा काम हिंदुस्तान में कौन करके दिखाता है? अरविंद केजरीवाल। अपने घोषणा पत्र से ज्यादा काम कौन करके दिखाता है? अरविंद केजरीवाल। उन्होंने संदेशा भेजा है, कुरुक्षेत्र के लोगों से कहने आया हूं, जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी पूरे देश में 200 यूनिट बिजली फ्री होगी, पूरे देश में 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। अरविंद केजरीवाल का वादा है नौजवानों को रोजगार देंगे। जब तक रोजगार नहीं मिलता 1,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को दिया जाएगा। माताओं बहनों के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसानों को आज किसान सम्मान निधि के नाम पर बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है, 1,000 रुपये आर्थिक सहायता किसानों को प्रतिमाह दी जाएगी। ये 4 प्रमुख बातें हैं जो हम देश के लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो केजरीवाल जी इन वादों को पूरा कराने का काम करेंगे। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और किसानों को MSP, ये सारी बातें हैं जो हम जनता से गारंटी के तौर पर कह रहे हैं। MSP स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक यानी कि फसल के दाम पर 50% मुनाफा, ये हमारा संकल्प है जिसको हम लोग पूरा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी संविधान के बजाय तानाशाही के दम पर देश को चलाने की बात कर रही है। भाजपा अगर दोबारा सत्ता में आई तो फिर ये देश में चुनाव नहीं होने देगी। पुरखों की शहादत से मिली आजादी और संविधान को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि पंक्ति में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति तक बेहतरीन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पहुंचाने के सपने को साकार करने के लिए सरकार बदलना जरूरी है। तानाशाही के खिलाफ हम आजादी को अंजाम देने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है कि मैं संसद में खड़े होकर कुरुक्षेत्र की आवाज उठाऊं। मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन का साझा उम्मीदवार का नामांकन 2 मई को भरने जा रहा हूं। मेरी आप सब से प्रार्थना है बड़े से बड़ी संख्या के अंदर इसमें शामिल हो। 2 मई को 12 बजे LIC सेक्टर 37 कुरुक्षेत्र से हम चलेंगे और DC ऑफिस तक जाएंगे। जय हिंद साथियों।